अब चलिए हम बात करते हैं ब्रिक के बॉन्ड्स के बारे में। बेसिकली ब्रिक हेडर बॉन्ड होता है, तो हेडर बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अगर हमारा ये हेड का फेस है इस टाइप से, ये जैसे हमारा ये हेड है, अगर एक के बाद वॉल में ये सिर्फ हेड ही दिखता रहेगा, अगर आप ऐसे बात करें एक ये है फिर ये है यहाँ पे, तो ये सिर्फ अगर हेड दिख रहा है हमारा तो इसको हम बोलते हैं हेडर बॉन्ड, अगर वॉल ऐसे की बनाई जा रही है। लेकिन अगर हमारा ये फेस दिख रहा है सामने वाला, इसको स्ट्रेचर फेस बोलते हैं। ये अगर ये इस टाइप से वॉल होती है, जैसे 100 mm की वॉल देखेंगे तो उसमें स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। फिर दो बॉन्ड होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश। हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है वो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, उसमें एक लेयर पूरी हमारी हेडर हेडर की रहती है, दूसरी ऊपर वाली लेयर स्ट्रेचर स्ट्रेचर की रहती है, तो इसको बोलते हैं हमारा इंग्लिश बॉन्ड। चौथा बॉन्ड होता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में जो नॉर्मली आजकल दीवारों में चिनाई होती है, दो ईंटा सीधा रखते हैं, फिर एक दो ईंटा मतलब जो है इस फेज में रखेंगे, मतलब जो है दो ईंटे ऐसे रखते हैं अगर बात किया जाए, जिसमें स्ट्रेचर फेस आगे रहेगा फिर एक हेडर फेस आएगा आगे। ये जो